Krishna, I agree. Now, Sri Naresh Agarwalji. Prabhupada Ji, Tanakha Ji and Satish Bhai have done a lot of things very clean. Now, Mani Mantri Ji says, MOP, Memorandum of Procedure, until pending, we don't want to tell a lot of things. I, Mani Mantri Ji, I want to know two or three things. One is Article 368. जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करने का अधिकार देता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद आर्टिकल 368 अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रह गया कि नहीं रह गया? और यदि रह गया तो जो हमने अमेंडमेंट करके भेजा था, जो हमने लॉ बनाया 368 के अंतर्गत, उस लॉ को अगर सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया तो फिर पार्लियामेंट की क्या पोजीशन रहेगी? मैं इस पर बड़ा स्पष्ट आपका ज्ञान चाहता हूँ कि कम से कम ये ज्ञान दे दें। दूसरा, जो अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने आपको पत्र भेजा 3/8, आपने कहा 3/8/16 को सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट पत्र भेजा, अच्छा आपने सुप्रीम कोर्ट भेजा, उसके कंटेंट क्या है? कंटेंट बताने में कोई दिक्कत है? आखिर ये तो लोग जान जाएँ कि आपने इतना डिस्कशन के बाद जो आपने लेटर भेजा है, उस लेटर के कंटेंट क्या हैं और उन कंटेंट से आप सुप्रीम कोर्ट की कितनी बातों पर राजी हुए कि नहीं? ये भी अगर मैं पढ़ रहा था कहीं कि कोलोजियम सिस्टम के अंतर्गत देश में सिर्फ 160 परिवार हैं जिसके ज़्यादातर जजेस हुए, क्योंकि उनको विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसे हम लोग का नहीं होता है, बेटा फिर बेटे का बेटा पारिवारिक होगा वैसे ही। तो क्या आप जजों की कमी देखते हुए डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं उनका 50% कोटा हाईकोर्ट के लिए तय करेंगे? क्योंकि ये झगड़ा रहता कि कोलेजियम ने क्या नाम भेजे हैं और उसमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ कि नहीं, या लॉ मिनिस्ट्री तैयार नहीं हुई, तो ये जो संख्या हाईकोर्ट में बराबर जजों की कम है, तो क्या आप 50% डिस्ट्रिक्ट जज का कोटा फिक्स करने पर तैयार हैं जिससे कि वो ऑटोमेटिक भरता चला जाए, तो ये जो कोलिजियम वाला झगड़ा है ये झगड़ा भी निपट जाए? आरक्षण की व्यवस्था पे जो सतीश भाई ने पूछा कि क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, इसको भी बड़ा स्पष्ट हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि पूरा देश है, अभी जब लोकपाल बना तब भी ये बात पड़ी कि वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था होना चाहिए लोकपाल जितने नियुक्त हों। तो क्या एमओपी में आपके आरक्षण एक पॉइंट है कि नहीं है? अगर नहीं है तो क्या उसको आप जोड़ने पे तैयार होंगे? मैं ये भी जानना चाहता हूँ। और जुडिशियल अकाउंटेबल बिल जो है, इसकी क्या पोजीशन है? क्या इस पे सरकार विचार कर रही है कि हम इसको लाएं जिससे कि पेंडेंसी घटे? और जो जिस तरह 3 लाख मुकदमे पूरे देश में पेंडिंग हैं, उन पे जल्दी जल्दी जजमेंट हो और देश को सही समय में न्याय मिल सके, बस मैं। थैंक यू।